ब्लॉक नूरपुर बेदी के अंतर्गत पड़ते गांव स्पालवा के सरकारी एलिमेंट्री स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों के परिजनों ने विद्यार्थियों के समेत स्कूल को लगाया ताला। उनका कहना है कि उनके स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है और ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी से नहीं हो रही। गौरतलब है कि दो दिन पहले भी उनके द्वारा स्कूल को ताला लगाकर पंजाब सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, लेकिन उच्च अधिकारी के आश्वासन के बाद वह धरना उठा दिया गया था। कुछ अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि दो दिन के बाद उनके स्कूल में एक और अध्यापक भेज दिया जाएगा, लेकिन आज दो दिन में जाने के बाद भी कोई भी अध्यापक स्कूल में नहीं पहुंचा और ऐसे में आज एक बार फिर स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समेत उनके परिजनों ने स्कूल को ताला लगाकर पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैप्टन अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर प्रशासन पंजाब शिक्षा बोर्ड कैप्टन अमरिंदर बोली सरकार पंजाब सरकार। स्कूल च अध्यापक ना होने करके बच्चों नूं मजबूरन बाहर खड़ना पै गया, लोगों वालों यह झंडा भी ला दिता गया, की मानते हो तुसीं? सर असी तां पिंड वासी बहुत परेशान है और यही सल्यूशन है साडा कि जिन्नी छेती हो सकता सानू टीचर दिता जावे, पेपर सिर ते आ बच्चों दे, ते असी भी पूरा सहयोग करिया करदे सरकार नाल कि सानू धरने ना लाए जाण, लाइए असी जिदा खूही नूं कहा करदे वी खूही लगाने असी, पर मैं तां राजनीति विच ना पाते हुए मैं यही कहना चाहती भी साडी बच्चों की शिक्षा जिहड़ी है खराब ना होवे, दिन हर एक दिन भी बच्चों का बहुत कीमती है। समस्या है क्या इस स्कूल चल रही है? सर साढ़े को 62 बच्चे है ते पर टीचर सिंगल एक जानी पांच क्लासा साढ़िया प्री प्राइमरी भी इन्हों दी गई भी तो सत्त क्लासा हो गई, सत्त क्लासा एक टीचर किदा हैंडल कर सकता, ये सरकार भी बड़ी बली भांति जानती है भी नहीं हो सकता कवर ये। जिला नूरपुर के ब्लॉक नूरपुर बेदी के अंतर्गत पड़ते गांव स्पालवा के सरकारी एलिमेंट्री स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों के परिजनों ने विद्यार्थियों के समेत स्कूल को लगाया ताला। उनका कहना है कि उनके स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है और ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी से नहीं हो रही। गौरतलब है कि दो दिन पहले भी उनके द्वारा स्कूल को ताला लगाकर पंजाब सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, लेकिन उच्च अधिकारी के आश्वासन के बाद वह धरना उठा दिया गया था। कुछ अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि दो दिन के बाद उनके स्कूल में एक और अध्यापक भेज दिया जाएगा, लेकिन आज दो दिन में जाने के बाद भी कोई भी अध्यापक स्कूल में नहीं पहुंचा और ऐसे में आज एक बार फिर स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के